राधे राधे मेरी YouTube फैमिली। तो चलिए गुड़िया देने जा रही है आपको एक बेस्ट रेसिपी जो कि है एक मिठाई। तो आज ये बना रही है सूजी की बर्फिया, और सूजी की बर्फिया मावे की बर्फिया या कोई भी मीठा डेजर्ट हो उसकी ये बचपन से ही एक्सपर्ट रही है। मतलब इसको पहले से ही, जब इस पे खाना सब्जी रोटी बनानी नहीं आती थी ना, तो ये इसको बनाने का बहुत शौक रखती थी। मतलब बचपन से बनाती आ रही है। थोड़ा सा सामान की झलक मैंने आपको दिखाती है, बाकी का मेजरमेंट मैं आपको साथ के साथ ही बताती चलूँगी साथ के साथ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डाल दिया है आधा कप के जितना घी। आप इस बर्फी को बनाने के लिए अपने घर की कोई भी कप गिलासी कटोरी वगैरह उठा सकते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो मिठाइयाँ जब भी हम बनाते हैं ना, तो उनमें मेजरमेंट का एक मेन रोल होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये आधा कप के जितना घी डाल दिया था, इसको थोड़ा सा पिघल जाने देते हैं। एक कप के जितनी सूजी डाल दी है, तो मेरे पास तो मोटे वाली सूजी थी तो इसने वही ले ली थी और इसको छान भी लिया था। अब बर्फियों को बनाने के लिए मेन मेथड शुरू होता है, आप सूजी को भून लेना ज़रूरी होता है। बर्फियों के लिए जो सूजी भूनी जाती है उसको बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता, हल्का सा लाइट ही रखा जाता है। लेकिन हाँ, सूजी का बिल्कुल परफेक्ट भून जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना कच्चेपन की स्मेल सी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बर्फियों का कलर तो वाइट आ जाएगा लेकिन बर्फियाँ खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। सूजी को भूनने के लिए आँच का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हम सूजी को हाई फ्लेम पर नहीं भून सकते हैं। अगर हाई फ्लेम पर भून दिया, भूनने के लिए तो 2 मिनट में भून जाएगी, बट सूजी का जो टेक्स्चर है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस को रखते हुए थोड़ा सा सूजी को टाइम देना है। मतलब गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखना है और सूजी को कम से कम 12 मिनट के लिए भूनना है। अगर आपको मैं वेट से बताऊँ ना, तो करीब ये 250 ग्राम की जितनी सूजी होगी और इसको भूनने में 12 से 13 मिनट का टाइम लग चुका है। तो जब आपको ये लाइट ब्राउन सी दिखाई देने लगे, जब तक ही सूजी को भूनना है। और यहाँ पर देखिए ये लाइट ब्राउन दिखाई देने लगी है, एक दानेदार इसमें टेक्सचर बन चुका है और घी की वजह से बहुत ज़्यादा गीली गीली सी भी नहीं हुई है। जैसे हम हलवे के लिए सूजी को भूनते हैं ना, तो उसमें घी का टेक्सचर ज़्यादा होता है और ये ना बिल्कुल हलवा सा दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं रखना, ये खिला खिला ही रहना चाहिए। और एक ना सोंधी सोंधी सी खुशबू भी आ रही है जब सूजी भूनने लगती है। तो बहुत ही अच्छे से भून के तैयार हो चुकी है और इसको ना 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, कढ़ाई की जो तली है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये नीचे लग सकती है और आपकी सूजी का टेक्सचर बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही सूजी भून जाती है, गुड़िया ने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको एक थाली में। तो सेम कढ़ाई में ये चाशनी भी बनाएगी। मतलब हम चाह रहे हैं कि घर में बर्तन कम से कम ही हो, क्योंकि इनको मांजने धोने भी पड़ेंगे और घर में है छोटे छोटे बच्चे, वो काम करने का ना टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आधा कप घी लिया था, 1 कप सूजी ली थी, 2 कप के जितनी चीनी ले ली है, 1 कप के जितना पानी डाल लिया है। अब हमें यहाँ पर चाशनी को बनाना है। तो ये साथ के साथ ही बाकी के काम को भी समेटती चल रही है और हाथ की स्पीड आप इसकी देख रहे हैं ना, मतलब बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पीछे चिल्ला रहे हैं, ऐसा भी डर लगता है कि इनके चोट फेट ना लग जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी एक अच्छे से तार वाली चाशनी बनानी है। एक तरफ इसने एक टिन ले लिया है, मतलब बर्फियों को सेट करने के लिए। तो बोल रही थी पहले दीदी इसको ना अच्छे से घी से ग्रीस करके सेट कर लेते हैं, ताकि बर्फी हमारी आसानी से उतर सके। कितनी बार क्या होता है ना, बर्फियाँ चिपक जाती हैं। आप यहाँ पर मतलब रिफाइंड ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, अगर घी से ग्रीस करना नहीं चाहते हैं, बट मीठा बन रहा है और इसको ना हेल्दी रखने के साथ साथ टेस्टी भी बनाना है, तो घी का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसने थोड़े से यहाँ पर ड्राई नट्स वगैरह भी चॉप करके रख लिए थे, तो बोल रही थी दीदी थोड़े से नीचे डालेंगे और थोड़े से ऊपर डालेंगे, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बट मैं बर्फियों के अंदर ड्राई नट्स को या फिर कोई और फ्लेवर नहीं डालूंगी, केवल यहाँ पर इलायची पाउडर ही डालूंगी। जो सूजी की बर्फियाँ होती है ना, तो अंदर से प्लेन निकलती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आपके ऊपर बात है, मतलब आपकी पसंद के ऊपर बात है कि आपको बर्फियों का टेक्सचर कैसा अच्छा लगता है, ठीक है ना। काफ़ी सारे ड्राई नट्स वगैरह डाले हैं, बट अंदर नहीं डालेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये तार को चेक कर रही है, तार को लगातार 3 से 4 बार चेक करना है। जब तक एक अच्छा सा तार नहीं बनने लगता है, या एक जमने वाली कंसिस्टेंसी वाला तार नहीं बनने लगता है और आपको इस तरीके के बबल्स से नज़र नहीं आते हैं, जब तक आपको चेक करते रहना है। चाशनी को बनने में भी लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। हाई फ्लेम पे हमें चाशनी को तैयार नहीं करना है, लो और मीडियम के बीच में रख के तैयार करना है। तो जब इसमें एक अच्छा सा तार बनने लगे, ये भुनी हुई सूजी और 1 छोटा चम्मच के जितना इलायची पाउडर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। डालते के साथ ही इसको चला देना, शुरू कर देना है और इसको करीब 5 मिनट के लिए चलाना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके। ये क्लिप यहाँ पे मिस हो गई थी, जब जमने वाली कंसिस्टेंसी में आया ना, तो वो क्लिप मिस हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे घर पे
कुछ गेस्ट आ गए और हम लग गए उनके चक्कर में, और जब कोई घर में आ जाता है ना तो काम से ध्यान हट ही जाता है, नहीं तो गेस्ट को ना बुरा लग सकता है। जैसे इसने यहाँ पे डाल दिया था ना तो इसको ऐसा लगा दीदी आज ये जमेगी नहीं, पर बर्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी थी। करीब हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, मतलब इसका टेक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो सके, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, पहले ही इसको कट कर लेना है। जैसे बर्फ़ गर्म होती है ना तभी इसमें कट मार देना है, नहीं तो बाद में कटने में दिक्कत करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारी सूजी की बहुत ही बढ़िया बर्फी तैयार हो चुकी है। मुझे बर्फियाँ ये वाली, मतलब जो सूजी की बर्फियाँ है ना, पहले से ही पसंद है, और जिस तरीके से गुड़िया बनाती है ये वाला तरीका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो इसमें बिल्कुल भी मावा नहीं डाला है, और बर्फियों का आप टेक्सचर देखिए फटाफट से टूट रहा है। बड़े क्या बूढ़े क्या बच्चे भी खुश होके खाते हैं।